भी बनाना चाहते हो घर के खाने का स्वाद, तो आज हम खोलेंगे सीक्रेट अचारों का राज। तो भैया अंकल जी क्या क्या अचार होंगे आपके पास, कौन कौन से टाइप्स के अचार? देखिए हमारे कुछ बड़े फेमस अचार हैं, जैसे हमारी नॉर्मल मिर्ची बनती है, हमारा लहसुन हो गया, हमारी लाल भरवा हो गई, हमारा आंवला मुरब्बा हो गया, हाँ जी, हमारा नींबू खट्टा मीठा हो गया, हमारा आम का लाइव बनता हुआ अचार, ये देखिए हमारा आम का अचार होगा बिना गुठली का। आम का अचार होगा बिना गुठली का, बिना गुठली ये होगा आम का अचार, ये गुठली, ये भी बिना गुठली का, ये गुठली वाला अचार है। अंकल जी क्या राइट रहेगा इसका? ये 240 रुपए किलो होता है जी, ये हमारी तीखी मिर्ची का अचार है जी, ये तीखी मिर्ची का अचार है। हाँ जी अंकल जी क्या प्राइस रहेगा इसका? ये 280 रुपए किलो, 280 रुपए किलो। हाँ जी, और ये हमारा लहसुन है, लहसुन का अचार। हाँ जी, ये इसका क्या प्राइस रहेगा अंकल जी? ये भी 280 रुपए किलो है जी, क्योंकि देखिए जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने अच्छे पैसे भी होंगे। अचार की क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं, कोई सिरका यूज नहीं करते हैं। हाँ जी, और घर की बनी सारी यही सारी चीजें हैं, सारी यही लाइव चीजें बनती हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हमारे सबसे स्पेशल अचार है जी, नींबू खट्टा मीठा, नींबू खट्टा मीठा। हाँ जी, और दिखाइए अंकल जी, प्योर अजवाइन का नींबू है जी हमारा, और ये गाजर गोभी शलगम है जी, गाजर गोभी शलगम। हाँ इसमें जी, हाँ जी। तो ये क्या चीज, ये सारे रखे, ये सारी सिरका आइटम है जी, सिरका आइटम। हाँ जी, ये अपना, ये तो वो है अपना लहसुन, लहसुन सिरके वाला है जी, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेनिफिट देता है जी। ये क्या देख पा रहा हूँ, ये सिरका प्याज है जी, रेस्टोरेंट में आप दाल वगैरह सब खाते हैं सिरका प्याज। हाँ अंकल जी क्या प्राइस रहने वाला है इसका? 70 रुपीज। 70 रुपीज भाई, 70 रुपीज देख लो भाई, कितना सस्ता मिल रहा है अगर आप भी बढ़ाना चाहते हो घर के खाने का स्वाद। और ये मैं देख पा रहा हूँ अंकल जी, ये अदरक है जी, अदरक के लच्छा है, अदरक लच्छा। हाँ, अदरक के लच्छे। हाँ जी, इसका क्या प्राइस होने वाला है? 100 रुपए का जी, 100 रुपए का। हाँ जी, ये इस वाले डिब्बे में क्या होगा? ये हमने ताजा बनाया है जी अभी। हाँ, ये जी आम का अचार है, ड्राई मैंगो, बिना तेल का। 5 साल की पूरी गारंटी है जी अचार की, पूरी गारंटी है 5 साल, खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अचार की काफी सारी वैरायटी, हमारा आंवला मुरब्बा, आंवला कौन सा होगा अंकल? ये है जी हमारा आंवला मुरब्बा, चीनी का पका हुआ मुरब्बा होगा जी। क्या प्राइस रहने वाला अंकल जी? 230 रुपए का 1 kg विदाउट चाशनी, 1 kg विदाउट चाशनी, विदाउट चाशनी आधा किलो ऐसी फ्री में साथ में। ये कौन कौन से अपनी वैरायटीज होंगे अचार की? मिक्स अचार है ये हमारा बहुत स्पेशल, मिक्स अचार, मिक्स अचार है ये वाला। कितने का प्राइस होने वाला है? 120 रुपए का, 1/2 kg का जी, 120 रुपए का भाई, 1/2 kg। आप देख सकते हो किस चीज का अचार होगा अंकल जी? ये मिक्स अचार है, इसमें गाजर मिल जाएगी, आम मिल जाएगा, मिर्ची मिल जाएगी, अदरक मिल जाएगा, आंवला मिल जाएगा, डेले मिल जाएगी। क्या बात है, 120 रुपए, 120 रुपए काटी गई है अभी, काटी गई है मिर्ची का अचार बनाने के लिए। हाँ जी, मिर्ची का अचार बनेगा, नॉर्मल अचार है। अच्छा, ये हमारा 50 बॉक्स डेली का बनता है जी, 50 बॉक्स, 50 बॉक्स डेली बनता है डेली का। करेले का अचार हमारा बहुत फेमस अचार है, करेले का, करेले का अचार। हाँ जी, ये कौन सा अचार है? लाल मिर्च भरुआ, लाल मिर्च भरुआ, बनारसी स्पेशल, बनारसी स्पेशल। हाँ जी, क्या बात है, क्या प्राइस होने वाला अंकल जिसका? ये 280 रुपए kg है जी। देखिए आम का भी ताजा अचार डाला, कच्चा अचार, ये आम का अचार है, कच्चा कच्चा, अच्छा कच्चे वाला है, ये कच्चे वाला। करौंदे का अचार मैं दिखाता हूँ आप, ये करौंदा भाई, मतलब खाने का स्वाद पूरा बढ़ाने वाला है ये चीज। एक बांस का मुरब्बा बनाते हैं, ये बांस का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा है जी, बांस का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा। तो अंकल ये जिन बच्चों किस तरीके से बनता है ये बांस का मुरब्बा? ये जो बांस का सॉफ्ट तना होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, उससे बनता है। अच्छा, अच्छा। और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती, अच्छा ये हाइट गेन, हाँ हाइट गेन पर्पस से है ये, हाइट गेन। तो भाई मैं जिस, आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर किसी भी बच्चे की अगर हाइट ना बढ़ रही हो, कोई भी अगर ये पेरेंट्स वीडियो देख रहा है, तो अगर इस चीज को आप ट्राई करोगे तो शायद कुछ आपको प्रॉफिट बेनिफिट लाभ होगा। तो अंकल जी कितना प्राइस रहता है अपना इसका? ये 440 रुपीज़ kg है जी, 440 रुपए किलो मिल जाएगा। हाँ आपको एक और चीज़, प्याज का मुरब्बा जी, सफेद प्याज का मुरब्बा। बाकी भाई काफी सारी वैरायटीज की इनके पास अचार है, किसी को भी अगर ऑर्डर करना है, स्क्रीन पर नंबर आपके चल ही रहा होगा। काफी सारे आइटम है, नींबू खट्टा मीठा है, लाल भरवा मिर्च, लाल भरवा मिर्च, लाल भरवा मिर्च, करेले का अचार है, करेले का भी अचार है इनके पास। अच्छा ये टीट का अचार है, अच्छा अच्छा, हाँ ये खाया हुआ है, टीट हुआ जी। ये लेसुए का अचार है जी, ये लेसुए का अचार। हाँ जी, अच्छा कटा हुआ आंवला है जी, ये कटा हुआ आंवला। अरे वाह, किसी को भी यहाँ पे कांटेक्ट करना हो तो सामने यहाँ इनका बोर्ड लगा हुआ है, मोती नगर के मशहूर राधा अचार वाले, सामने इनका नंबर शो हो रहा होगा। आप कभी भी आओ यहाँ पे, अंकल जी का पूरा सामान टेस्ट करो, लेके जाओ, काफ़ी है। और अंकल जी वैसे करंट लोकेशन क्या रहेगी यहाँ की? अपोजिट कालरा मेडिकॉस, तो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पड़ता है, नियर बाय। आप जब भी आओ यहाँ पे एक बार ट्राई करो।